वेलकम स्टूडेंट्स, कम टू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, बस उसको बस केवल एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बाकी आगे सारी चीज़ें हम लोग निकलती चली जाएंगी। तो लिखते हैं हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो और वेक्टर मिलेगा, इसीलिए इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये रिजल्ट है। यहां पर ये कैसे आया इस बात से मतलब नहीं है, मतलब इसको ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको सिंप्लीफाई इसके साथ में करेंगे तो जो रिजल्ट आया है वो मैं लिख रहा हूं, वो है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड सी। तो इसको ए डॉट सी, ए डॉट सी बी, फिर माइनस ए डॉट बी सी, ये लिखा हमने। इसको दिमाग में ऐसे रख ले, अगर 1 3 2 माइनस 1 2 3, 1 3 2 कि पहले ए है फर्स्ट थर्ड सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से अगर दिमाग में रख लेंगे तो आगे इस तरह का एक बार हम और बताएंगे कि 1 2 4 3, 1 2 3 4, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसको अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि लेट लेट ई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, E को हमने A क्रॉस B मान लिया, तो ये क्या होगा E क्रॉस C क्रॉस D। अब इसमें हमने वही लगा दिया 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो ये आ गया E डॉट D, E डॉट D C माइनस E डॉट C D, ऐसे आ गया। E E का मतलब A क्रॉस B, A क्रॉस B डॉट D, और इसको C को बिल्कुल बाहर, माइनस A क्रॉस B और फिर C और ये D बिल्कुल बाहर। तो ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B एंड D। तो ये आ गया A B D C माइनस और D, ये आ गया। तो यहां पे भी, यहां पे भी अगर हो सके तो आप अपने कंफर्टेबल जोन के लिए 1 2 4 3 माइनस 1 2 4 3 माइनस 1 2 3 4, ऐसे इसको याद कर लें कि ए बी डी सी 1 2 4 3 माइनस ए बी सी डी लिखा हुआ है 1 2 3 4। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। अब ये है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। हमने A क्रॉस B को मान लिया E, तो ये आ गया E डॉट C क्रॉस D। E डॉट C क्रॉस D हो या D डॉट E क्रॉस C हो, साइक्लिक ऑर्डर में D डॉट E क्रॉस C ऐसा कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी डॉट सी क्रॉस ई लिख लिया, केवल इसलिए कि हमको इसको यूज करना है 1 3 2 माइनस 1 2 3 माइनस डी डॉट सी क्रॉस, ये ई को ए क्रॉस बी लिखा, ई को ए क्रॉस बी लिख लिया। अब फॉर्मूला 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो माइनस डी 1 3 2 यानी सी बी ए माइनस सी ए बी, ये आ गया। डी को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस सी डॉट बी ए डॉट डी प्लस बी डॉट डी और सी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट सी
बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी और ए डॉट डी। हो सकता है कि ऐसे आपको ये याद ना हो पाए, अब समझिए, इज इक्वल टू ए डॉट सी ए डॉट डी, बी डॉट सी बी डॉट डी। तो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। कोई एक सेट हो, अगर एक सेट हो जिसके एलिमेंट्स हो 1, 2 और दूसरा सेट हो जिसके एलिमेंट हो 3, 4, तो अगर इसके हम ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो बनेगा 1, 3, 1, 4 और 2, 3, 2, 4। 1, 2 नहीं आएगा, 1, 3, 1, 4 और 2, 3, 2, 4। तो वैसे यहाँ पर देखें, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी में है तो ए सी ए डी और बी सी बी डी यही बनेगा। तो ए सी ए डी बी सी बी डी आराम से याद हो सकता है। जैसे कि बहुत समय पहले हमने आप लोगों को बताया था लाइट हैवी मेथड, लाइट हैवी मेथड बताया था जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस किया था, तो वैसे ही इसको भी याद कर सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ए सी ए डी और बी सी बी डी का बनेगा। अब आगे और चीज़ें करते हैं हम लोग। अब ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी सी हो तो के की वैल्यू क्या होगी। एक बात दूसरी बात दिमाग में रहेगी, ये दूसरी बात हमेशा दिमाग में रहेगी कि के की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, वो हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो इसको हमने लिखा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये लिख दिया सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब आगे ए प्लस बी डॉट, ये आ गया बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए 0 सी क्रॉस ए लिख दिया। हमको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब यहां पर ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि ए बी सी, फिर प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए 0, ए डॉट सी क्रॉस ए 0, बी डॉट बी क्रॉस सी 0, बी डॉट बी क्रॉस ए 0, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये आ गया बी सी ए। बी सी ए लिखा हो या सी ए बी लिखा हो या ए बी सी लिखा हो, बात एक ही है, ये आ गया 2 times ए बी सी। तो के की वैल्यू 2 ये याद रहनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए। फिर आगे अब इसके बाद a माइनस बी भी कर लें, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, 0 याद रहनी चाहिए, इज इक्वल टू a माइनस बी डॉट b माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं इसमें, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये लिख लिया ए माइनस बी
ये बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अब ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब ए बी सी, फिर इसके बाद ए डॉट बी क्रॉस ए जीरो, ए डॉट सी क्रॉस ए जीरो माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो, बी डॉट बी क्रॉस ए जीरो, बी डॉट सी क्रॉस ए यानी बी सी ए। बी सी ए हो, सी ए बी हो या ए बी सी हो, ये बराबर ही रहेगा जीरो। तो ये रिजल्ट दिमाग में रखने हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या कहता है, अब क्या है इसमें, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। इसको चले हम लोग प्रूफ करते हैं, ए बी सी का स्क्वायर। उससे पहले ये चीज दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी होता क्या है। इज इक्वल टू ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी। स्टूडेंट जिस तरह से मैं बताता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करेंगे तो मैथ्स बहुत कंफर्टेबल लगेगा आपको, बहुत इजी हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी डॉट क्रॉस सी क्रॉस ए, ये आ गया। इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, अब इसमें ए बी डी यानी कि बी सी ए 1 2 4 सी माइनस बी सी सी ए, ये तो जीरो हो गया, बचा कितना, ए क्रॉस बी डॉट ए बी सी और ये सी है। तो अब ये आ गया सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये तो कोई नंबर बन गया है। अब सी डॉट ए क्रॉस बी हो या ए डॉट बी क्रॉस सी हो, ये ए बी सी ही हो गया और ये भी ए बी सी, इसका मतलब ए बी सी का स्क्वायर हो गया, ये ए बी सी का स्क्वायर हो गया। फिर आगे एक और पढ़ते हैं, आप इसको थोड़ा सा और आगे ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर है बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर है सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी। इसके बारे में बात करनी है, मेरे ख्याल में मैक्सिमम अब हम लोग कर ले रहे हैं, इससे ऊपर नहीं आ सकता है जेई में। इज इक्वल टू वी विल कीप दिस आउट, ए क्रॉस बी, अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये तो हो गया ये दिस क्रॉस, ये सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही ब्रैकेट समझाने के लिए लिखा। इज इक्वल टू ए क्रॉस बी
बी क्रॉस सी, इसको ऐसे ही रखा। अब इसमें इसके हिसाब से ए बी सी डी, ए बी सी डी है तो क्या होता है, ए बी डी, यानी कि ए बी और डी, मतलब बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। यहां पर इसका ब्रैकेट और बाहर बैठेगा सी, मतलब सी क्रॉस ए को बाहर बैठाया ये, फिर माइनस, आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, ए बी सी डी है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी डी यानी 1 2 4 और इसको बाहर कर दिया। अब 1 2 3 है यानी 1 2 3, तो ये कितना हो गया, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए और 4 को बाहर, ये आ गया। सेकंड ब्रैकेट जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब इसके बाद ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको अब हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसको फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, इसको फिर से लिख दिया, ये तो जीरो होगा तो इसकी तो कहानी खत्म। अब इसको समझो जैसे P क्रॉस Q R, ये डॉट R है तो इसको हम लोग पी क्यू आर लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी सी स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ए बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी सी टू द पावर 4, ए बी सी टू द पावर 4, तो आई थिंक मैक्सिमम हम लोगों ने कर लिया है। आगे अब हम लोग एक बार एक चीज और कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पे करते हैं, प्रॉब्लम्स में चेक कर लेंगे कि वेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है अपने जेई में। If A, B, C, D are 4 coplanar points, नोट करके लिख देते हैं इसको, ये कोई 4 coplanar points हैं, तो ये स्मॉल ए का मतलब ए का पोजिशन वेक्टर, बी का मतलब स्मॉल बी का मतलब बी का पोजिशन वेक्टर, सी सी का पोजिशन वेक्टर और डी कैपिटल डी का पोजिशन वेक्टर है, तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी ये होगा जीरो। ये बात तो सही है, अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं तो उनसे 4 कोप्लेनर पॉइंट है, एक प्लेन में है तो उनसे 3 वैक्टर बन जाएंगे और 3 वैक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। इसको हमने लिखा b माइनस ए, ये लिखा c माइनस ए क्रॉस d माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, b माइनस ए, ये आ गया c क्रॉस d माइनस c क्रॉस ए माइनस a क्रॉस d प्लस a क्रॉस ए, ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो था, माई बी माइनस ए सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब आगे बी डॉट सी क्रॉस डी, यानी कि बी सी डी, बी डॉट सी क्रॉस ए यानी कि बी सी ए, B डॉट A क्रॉस D मतलब B A D, A डॉट C क्रॉस D माइनस
ACD, A dot C cross A 0, A dot A cross D 0, this is equal to 0. तो यहां से हमको मिल गया, यहां से हमको मिला BCD is equal to ABC, ये ABC हो गया, plus DAC plus DBA, ये एक रिजल्ट मिल गया, ये एक रिजल्ट मिल गया। फिर से इसको एक बार को हम लोग देख लेते हैं, ए बी सी डी फोर पॉइंट्स हैं, तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी जीरो होगा, मतलब कहने का वॉल्यूम ऑफ पहले पैड रहेगा ही नहीं। ए बी को बी माइनस ए लिखा, इसको सी माइनस ए, इसको डी माइनस ए, ऐसे कर लिया, बी माइनस ए जस्ट कॉपी इट, सी क्रॉस डी ये लिखा है, माइनस सी क्रॉस ए ओके, माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस ए ये जीरो हो गया, बी माइनस ए कॉपी कर लिया, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस ए क्रॉस डी फिर से कॉपी हो गया, बी डॉट सी क्रॉस डी यानी कि बी सी डी, बी डॉट सी क्रॉस ए बी सी ए लिख लिया, बी डॉट ए क्रॉस डी बी ए डी लिख लिया, ए डॉट सी क्रॉस डी ए सी डी, ए डॉट सी क्रॉस ए जीरो, ए डॉट ए क्रॉस डी जीरो, यानी कि यही हमारा रिजल्ट आ गया, दिस इज फाइनल रिजल्ट। कम टू प्रॉब्लम्स नाउ, हम लोग प्रॉब्लम से बात करते हैं, तो रब कर लिया जाए इनको, तो रिजल्ट कुछ भी हो, बस ये ध्यान, हमें ये बताना था इसमें कि अगर चार पॉइंट्स दे रखे हों तो उसको हम लोग तीन वेक्टर्स बना लेंगे और तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन है, ये 10th जनवरी का है, 10th जनवरी 2019। लेट ए है 30-1, 30-1, बी है 2-10-6, सी है 1-1, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। Vertices of triangle. अब M is the midpoint of AC. M है midpoint of AC. Midpoint of AC. तो AC A point क्या है 30-1 और C है 1-1, ये पॉइंट हमने बी ले लिया। अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जी इफ जी डिवाइड्स बी एम, इन द रेशियो 2:1, 2:1, देन cos of angle GOA ये क्या होगा, O being origin, O origin है, O origin है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं, टू अपॉन रूट 15, वन अपॉन टू रूट 15, 1/√30। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ए है 30-1 ओके, बी है 2-10-6, सी 1-1 है, आर द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम तो निकाल लेते, पहले तो एम को निकाल लें, एम कितना है 3+1 4 मीन्स 2, 0+2 2 और ये हो गया 0, एम निकाल लिया। अब कह रहा है कि M is the midpoint of AC, M is the midpoint of AC, okay, if G divides BM, BM तो ये है, in the ratio 2:1, ये G हो गया,
और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 10 और 6, 2, 10 और 6 हैं, तो एंगल जी ओ ए निकालना है। ओके, निकाल लिया जाए तो ये कह रहा है 2:1 का रेशियो, जी डिवाइड्स बी एम 2:1, तो जी के कोऑर्डिनेट्स 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 2 = 2/3, 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 10, फिर 2 × 0 = 0 प्लस 1 × 6/3, तो जी के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 4 और 2, जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 4 और 2, जी ओ ए, ये ओ है, ये जी मान लिया, ये ए मान लिया, तो ये हो गया 2, 4, 2, ए है 3, 0, -1 और ये एंगल हमको निकालना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये ओ जी वेक्टर हो जाएगा 2i + 4j + 2k और ये हो जाएगा 3i + 0j - k, तो cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए डॉट ओ जी अपॉन मॉड ऑफ, तो cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 3 × 2 = 6, 4 × 0 2 × -1 अपॉन अंडर रूट 4 + 16 प्लस 4 अगेन, फिर अंडर रूट 9 + 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4 upon under root 24, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2√6 और ये है √10, तो ये 2 कैंसिल, ये आ गया 2 upon, ये हो गया √2, √3, ये हो गया √2 और √5, √2 ये कैंसिल, तो 1 upon √14, तो cos थीटा इज इक्वल टू √2, √2 कैंसिल, 1 upon √15। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, इसका आंसर ए cos थीटा इज इक्वल टू ओ जी डॉट ओ ए, तो 3 × 2 = 6 और 4 का 0 हो जाएगा, -2, 4 हो गया, अपॉन में अंडर रूट 4 + 16 + 4, ये आ गया, और फिर इसका 9 + 1 = 10, ये हो गया 24, 24 का अंडर रूट, 24 का अंडर रूट का मतलब 2√6, ओके 2√6 और ये √10, ये 2 से कैंसिल, 2 आ गया, 2 ऊपर लिखा हुआ है, इसको √2, √3 लिख दिया, इसको √2, √5 लिख दिया, ये मिला के 2 कैंसिल हो गया, 1 upon √15 मीन्स नन ऑफ दिस, बना लेते हैं 1 upon √15, तो वेक्टर में भी कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू i + j + k, बी इज इक्वल टू i - j + k और सी इज इक्वल टू i - j - k, ये अ वेक्टर न्यू न्यू इन द प्लेन ऑफ
ए एंड बी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज वन अपॉन रूट थ्री इज ऑप्शंस गिवन है थ्री आई माइनस जे प्लस थ्री के बी ऑप्शन आई माइनस थ्री जे प्लस थ्री के सी है माइनस थ्री आई माइनस थ्री जे माइनस के बस ये नॉन ऑफ दिस बना लिया। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के करेक्ट है सी इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के यस इट इज अ वेक्टर न्यू इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी ए और बी के प्लेन में कोई एक वेक्टर है यानी ए प्लस लैम्डा भी कुछ बना लेंगे जिसका कि प्रोजेक्शन ऑन सी इज वन अपॉन रूट थ्री तो वैक्टर क्या होगा ये हमको बताना है। ओके तो हमने सी मान लिया ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी अ वेक्टर न्यू ये हमने मान लिया ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ओके तो न्यू इज इक्वल टू ए का मतलब आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स बी का मतलब हो गया आई माइनस जे प्लस के तो न्यू इज इक्वल टू आई कॉमन वन प्लस लैम्डा प्लस जे कॉमन वन माइनस लैम्डा और प्लस के कॉमन वन प्लस लैम्डा ये आ गया। कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज वन अपॉन रूट थ्री तो प्रोजेक्शन ऑफ न्यू ऑन सी इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला न्यू डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ सी तो न्यू डॉट सी इसका और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वन प्लस लैम्डा फिर माइनस करना है माइनस वन प्लस लैम्डा फिर माइनस वन माइनस लैम्डा अपॉन सी का मॉडुलस वन प्लस वन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री तो प्लस लैम्डा प्लस वन माइनस वन तो ये आया लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू वन तो लैम्डा की वैल्यू आ गई टू। लैम्डा की वैल्यू अगर हम टू यहां पर रख रहे हैं तो हमको मिल रहा है न्यू इज इक्वल टू थ्री आई माइनस जे और प्लस थ्री के जे का आया हुआ ही क्वेश्चन होगा इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है दैट इज ओके वो तो मैं केवल थ्योरी समझाने के लिए है लेकिन ये एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम्स कर रहा हूं इसका मतलब कि जे में आया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक इसमें कुछ समझाना नहीं है क्योंकि कह रहे थे कि जो एक न्यू वेक्टर है वो ए और बी के प्लेन पर है तो ए प्लस लैम्डा बी को एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने कुछ भी बना लिया और उसके बाद उसका हमने प्रोजेक्शन ऑन सी यानी कि मॉड ऑफ न्यूज कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली लैम्डा की वैल्यू निकल आई वो वापस यहां रख दी और आंसर टैली कर लिया। अब इसमें अगला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे प्लस टू के
बी इज इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस टू के, इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर है एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 12, एंड हैज मैग्नीट्यूड 12, देन वन सच वेक्टर इज, वन सच वेक्टर इज ऑप्शंस में है 4 times 2i plus 2j plus k, फिर 4 times 2i minus 2j minus k, 2i minus 2j minus k, फिर 4 times 2i plus 2j minus k and d, 4 times minus 2i minus 2j plus k. तो फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. A is equal to 3i plus 2j plus 2k, okay? B is equal to i plus 2j minus 2k, if a vector perpendicular to a plus b और a minus b, दोनों के perpendicular है, इसका मतलब वो parallel किसके होगा, इतना cross इसके, इसके parallel हो जाएगा. तो हम इसके parallel vector का unit vector निकाल लें और उसको कर दें multiply 12 से, आंसर आ जाएगा. देखते हैं कि क्या सही है बात, क्या इससे जल्दी हो सकता है क्वेश्चन. तो a प्लस बी क्या है, 4i plus 4j और 0, a माइनस बी कितना हो गया, इतना माइनस इतना, यानी कि 2i 2j, ये 0 हो गया, इतना प्लस 4k. अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसमें कह रहा है कि जो वेक्टर है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एज वेल एज ए माइनस बी, इसका मतलब जो वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इसके क्रॉस, इसके पैरेलल है. तो हम वो वेक्टर निकालें, इसके पैरेलल वेक्टर आई जे के कितना है, 4, 4 और 0, फिर है 2, 0 और 4 इज इक्वल टू, आई लेंगे तो 16i, माइनस जे किया तो 16 ही है, 16j माइनस 16j, और k करेंगे तो 4 minus 8 minus 8k, ये आ गया. इसमें से हम 8 को हटा दें तो आ गया 2i minus 2j minus k. इसको मान ले कोई वेक्टर, हमने मान लिया c वेक्टर मान लिया, तो अब c कैप क्या होगा, c कैप क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं. यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब कि इसके मॉड से हम डिवाइड कर दें, 8 2i minus 2j, तो अपॉन में इसका मॉड 4 plus 4 8 plus 1 3 का 9 9 का अंडर रूट 3 और 8, तो 3 × 8 कर दिया, तो ये आ गया हमारा डिवाइड बाई, इसका हमने 3 और 8 कर दिया, तो अब ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 2i minus 2j minus k upon 3. ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर. कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 12 हो, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा वेक्टर आ जाएगा. तो वेक्टर इज इक्वल टू 12 times 2i minus 2j minus k upon 3, मींस वेक्टर आ गया 4 times
टू आई माइनस टू जे माइनस के, टू आई माइनस टू जे माइनस के, बहुत ज़्यादा देर का क्वेश्चन ये है ही नहीं, बहुत ज़्यादा देर का क्वेश्चन है ही नहीं। और 12th अप्रैल को जिसने भी दिया है उसके 4 मार्क्स बहुत आराम से आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको तो हम लोग दोबारा रिपीट कर चुके हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो हमने निकाल लिया। और फिर यहाँ पे क्या किया, जो वेक्टर आया उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद जो उसका मैग्नीट्यूड था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा ये भी है भाई 9th अप्रैल का, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3i + j, बीटा 2i - j + 3k, अल्फा 3i + j, बीटा ना, इफ बीटा इज इक्वल टू β1 - β2, बीटा इज इक्वल टू β1 - β2, वेयर β1 इज पैरेलल टू अल्फा। तो β1 इज इक्वल टू, फिलहाल अभी हम ये मान लेंगे, लैम्डा टाइम्स अल्फा कितना है 3i + j, 3i + j, ये हम एज्यूम कर लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, β1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो β2 हुआ कितना, β2 वहां से आया β1 - β, β2 इज इक्वल टू β1 - β आया। ओके, कह रहा है कि β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, देन β1 × β2, ये क्या होगा बताना है हमको, ये हमको बताना है। ओके, ए ऑप्शंस लिख लेते हैं कुछ, हाफ टाइम्स -3i + 9j + 5k, -3i + 9j + 5k और -3i + 9j + 5k, -3i + 9j + 5k और 3i - 9j, और बस ये दे रखा है। तो किया जाए इस क्वेश्चन को, एक बार और रीड कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 3i + j, करेक्ट लिखा है, बीटा इज इक्वल टू 2i - j + 3k, ओके, बीटा इज इक्वल टू β1 - β2, वेयर β1 इज पैरेलल टू अल्फा, करेक्ट है, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो ओके, तो β1 × β2 निकालना है, और ये क्वेश्चन 9th अप्रैल को आया है, 9th अप्रैल को आया है, 2019 हमने नहीं लिखा है, वो भी लिख देते हैं। अब β2 इज इक्वल टू β1 का मतलब आ गया 2i - j - β, -β2 इज इक्वल टू दिस -β1, β2 इज इक्वल टू β1 विच इज दिस लैम्डा टाइम्स 3i + j -β, और वो ये लिखा हुआ है। ओके, तो β2 इज इक्वल टू β2, यहां से हम ले आए β1 - β, तो β2 इज इक्वल टू β1 - β, और β1 क्या है, लैम्डा टाइम्स 3i + j, वो लिख लिया 3i + j
माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू ये है 2i-j+3k। ओके, तो बीटा 2 इज इक्वल टू आई कॉमन 3λ-2, फिर जे कॉमन λ+1, लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस वन और -3k। कह रहा है कि बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बीटा 2 डॉट अल्फा विल बी जीरो। तो इसका अल्फा से डॉट प्रोडक्ट करें 3i, तो 3 टाइम्स, और जे यानी कि 1 प्लस लैम्डा प्लस 1, के का मामला तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ गया, 9λ+λ यानी कि 10λ-5 इज इक्वल टू जीरो से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। ये लैम्डा की वैल्यू 1/2 हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू 1/2 से बीटा 1 तो पता ही चल गया, दिस इज इक्वल टू 3i+j, ये आ गया। और अब बीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 यहाँ रखेंगे तो इस जगह पर 1/2 या यहीं पर रख लेते हैं, 3/2-2 आई 3/2-2 प्लस जे 1/2+1। तो बीटा 2 इज इक्वल टू 4 मीन्स 3-4-i/2 प्लस j/3j/2-3k। तो अब हमको चाहिए क्या है, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 इज इक्वल टू, बीटा 1 में हाफ लगा है तो उस हाफ को बाहर ही रहने दें, आई जे के हाफ को बाहर ही रहने देते हैं, यहाँ पर लिखा 3, ये लिखा 1 और ये लिख दिया 0। तो यहाँ पे कितना है, -0.5, 3/2 और -3। आई कॉमन तो -3 आई, माइनस जे लिया तो 9/2 + 1/2, 9/2 + 1/2 मीन्स 10/2, ठीक है। जे करेंगे तो माइनस नाइन, और फिर प्लस के किया तो कितना आ गया, के करेंगे तो 9/2 + 1/2 मीन्स 10/2 मीन्स 5 आ गया। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत ईजली आराम से निकल आता है, -3i + 9j + 5k, -3i + 9j + 5k, ये आ गया आंसर इसका। क्वेश्चन ठीक इसी टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है, ऐसे ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी की बुक में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसे किया गया है कि यहाँ पे लिखा है कि बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, तो बीटा 1 को हमने लैम्डा टाइम्स अल्फा है इसमें भी अज्यूम किया गया है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है। तो देख लीजिए, मतलब बहुत दूर नहीं रहता है जेई का एग्ज़ाम 12th से, 12th का अगर आप उसको 19 मान रहे हैं तो वो जस्ट 20 है और उसके अलावा कुछ नहीं है, जस्ट ऊपर है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, मेंस को क्वालिफाई करना बहुत ईजी होता है। अब आगे हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 3i + 2j + xk
और बी दे रखा है, बी है आई माइनस जे प्लस के, ये दे रखा है फॉर सम रियल एक्स, फॉर एक्स कुछ रियल। ए क्रॉस बी ये अगर आर है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कह रहा है, देन नहीं नहीं ये कह रहा है कि देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर इज पॉसिबल इफ, इफ के बाद ऑप्शंस हैं, आर इज ग्रेटर इक्वल टू 5 टाइम्स रूट 3 बाई 2, 3 टाइम्स रूट 3 बाई 2 लेस देन आर लेस देन 5 टाइम्स रूट 3 बाई 2, फिर 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू रूट 3 बाई 2 और रूट 3 बाई 2 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स रूट 3 बाई 2। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लिया जाए, ए है 3i प्लस 2j प्लस xk करेक्ट है, बी है i माइनस j प्लस k, बाकी तो ए क्रॉस बी निकालना है वो भी देखा जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकाला जाए, i j k 3 2 x 1 माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स आई 3 माइनस एक्स, जे को लेंगे तो 3 माइनस एक्स माइनस और के को करेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। हमने एक ही बार में कर दिया है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो दोबारा फिर से चेक किया जाएगा। अभी इसका मॉड, इसका मॉड निकाला तो अंडर रूट में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9, चलो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 एक्स, माइनस 2 एक्स आ गया और ये आ गया प्लस 38 इज इक्वल टू रूट 2 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 38 को ऐसे ही रहने दें, 38 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 2 को हमने पूरे में से बाहर निकाल लिया था, तो इज इक्वल टू रूट 2, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 किया है माइनस 1 बाई 4 भी करें, ये आ गया एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 75 बाई 4, 75 बाई 4। तो अंडर रूट के अंदर ये है 0, मिनिमम 0 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कम से कम 75 बाई 4 से तो ज़्यादा होगी ही होगी, 75 बाई 4 से x माइनस ये आ रहा है दिस इज इक्वल टू r, दिस इक्वल टू r, तो इसकी वैल्यू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 और ये कितना है रूट 75 बाई 4, तो ये आ गया 5 रूट 3, 5 रूट 3 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा 1 अपॉन रूट 2, 5 रूट 3 अपॉन रूट 2, आर की वैल्यू कम से कम इतनी तो होगी ही होगी। बात समझ में आ गई है, फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या किया ए क्रॉस बी निकाल लिया, जो भी आया लिखते चले गए, जो भी आया वो लिख लिया, उसका मॉड निकाला तो अंडर रूट में ये हमने लिख लिया, जो मॉड आ रहा है वो एक एक्स में क्वाड्रेटिक आ रहा है, कह रहा है कि उसकी वैल्यू आर है, उसकी वैल्यू आर है, वो पॉसिबल कब है भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी इस फॉर्म में लिया है, परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम तो 0 होगा, अदरवाइज उसके कुछ ज़्यादा ही होगा,
तो कह रहे कि ये पॉसिबल कब है, पॉसिबल तभी है जबकि कम से कम मिनिमम वैल्यू तो गेन करें। अगर मान लिया जाए आर की वैल्यू, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर लिख दें कि आर इज इक्वल टू वन लिख दें, आर इज इक्वल टू वन लिख दें तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 5√3/√2 तो होनी चाहिए। तो ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मतलब वेक्टर में इन्होंने क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक का मेल किया है। ये क्वेश्चन आया कब है, 8 अप्रैल को। ओके, 8 अप्रैल, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। तो इसमें वेक्टर और क्वाड्रेटिक ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिसमें कि दो चैप्टर्स इंक्लूड हों। तो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी की और प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन 3D स्टार्ट करेंगे।